हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ओनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं आपको बात कर रहा हूँ GDCELP साइको टेस्ट के बारे में। ठीक है, आपका जो है सो GDCELP साइको टेस्ट, जो कि आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है RRC के थ्रू, और आपका RRB के थ्रू जो होता है फ्रेश वैकेंसी, उसका ALP का साइको टेस्ट के बारे में। मैंने इससे पहले दो लेक्चर बनाया हुआ है। फर्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ साइको टेस्ट आप सभी को देखना जरूरी है। सेकंड, साइको टेस्ट का सिलेबस एंड स्ट्रेटजी, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका, है ना, कैसे पढ़ना है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम होता है, मैंने सब कुछ बताया हुआ। और ऑनलाइन एग्जाम में किस टेस्ट का कैसा फॉर्मेट होता है वो सब मैंने बताया हुआ। मैं दोनों लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, स्टेप वाइज स्टेप आप उसको देख लेना। और आज के क्लास में हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के बारे में। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं दूरी प्रत्यक्षीकरण मापन परीक्षण। और इसका इसमें दो होता है, एक होता है आपका ब्रिक टेस्ट और एक होता है आपका हिडन क्यूब टेस्ट। तो लेटेस्ट पैटर्न में ब्रिक टेस्ट पूछा जाता है। हाल फिलहाल में जितना भी आपका ALP का साइको एग्जाम हुआ है ना, सारे में ब्रिक टेस्ट ही आया है। तो पहले हम लोग ब्रिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे, और इसका जो अगला लेक्चर आएगा वो आपका हिडन क्यूब टेस्ट के बारे में बात करेंगे। और ब्रिक टेस्ट को हिंदी में बोलते हैं ईंट परीक्षण टेस्ट। एक बात याद रखना, साइको टेस्ट में सिर्फ दो लैंग्वेज होता है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। ऑल इंडिया में आप किसी भी जोन से हो, आपका साइको टेस्ट सिर्फ दो लैंग्वेज में होगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश। और ये सब टाइप के टेस्ट में लैंग्वेज डजंट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल। सिर्फ आपका दो टेस्ट होता है, एक वॉच टेबल टेस्ट और एक नॉर्मल टेबल टेस्ट, जिसको हम लोग फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट कहते हैं। तो वहां पे आप लोगों का लैंग्वेज इशू हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए वॉच टेबल टेस्ट एंड टेबल टेस्ट का सेपरेट लेक्चर लाऊंगा इंग्लिश में, ठीक है। और बाकी हिंदी मीडियम वालों को तो कोई टेंशन नहीं, आपका लेक्चर आ रहा है। स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं कंटेंट दिखाता हूँ, पहले आप लोग अच्छे से कंटेंट देखो, और उसके बाद इस तरह से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर आपको लास्ट तक देखना जरूरी है, इस लेक्चर को लास्ट तक देखो, उसके बाद गारंटी मैं लेता हूँ कि ब्रिक टेस्ट आपका आज खत्म। और ब्रिक टेस्ट खत्म, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कुछ नहीं। जितना भी आपका टेस्ट का टाइप है ना, ALP में टोटल 17 से 18 टाइप है ना, एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका मेमोरी टेस्ट है, इसमें 5 टाइप है, ठीक है। ये आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, इसमें आपका 3 टाइप है, दो टेबल का और एक वॉच टेबल का। ये आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है, इसमें आपका दो टाइप है, ब्रिक टेस्ट और हिडन क्यूब टेस्ट। टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसमें आपका फाइंड डिजिट 6, फाइंड डिजिट 9, यस नो, है ना, और फिगर पोजीशन, आपका इसमें टोटल 4 टाइप है। और परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, इसमें हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल और आपका सिमिलैरिटी टेस्ट, 3 टाइप है। तो 5, 3, 8, 2, 10, 4, 14, 3, 17, टोटल आपका 17 टाइप है। इस 17 टाइप के लिए आपको 17 वीडियो लेक्चर मिलेगा। एक लेक्चर में एक टाइप मैं पूरी तरह से 100% कंप्लीट करूंगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि हर टाइप का जो आपको लेक्चर मिल रहा है उसको आप देखो, एक बार लेक्चर देखो, समझो, है ना। समझना क्या है, कितना टाइम में कितना क्वेश्चन होगा, कैसे अप्रोच करते हैं, कट ऑफ कितना जा सकता है उस पार्टिकुलर सेक्शन में, है ना, ट्रिक कौन सा है, ये सब आपको उस डेडिकेटेड वीडियो में मिलेगा। इसके बाद सिर्फ आपको एक ही काम करना है, जब तक आपका साइको एग्जाम ना हो, आपको लैपटॉप पे वेबसाइट से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। ALP में टीचर का गाइडेंस सिर्फ इतना है कि मैं आपको वीडियोज के माध्यम से बता दूं कि हाँ ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। इसके बाद एग्जाम मैं नहीं दूंगा, एग्जाम आप दोगे। तो आपको फास्ट करना है, आपको प्रैक्टिस करके टाइम मैनेजमेंट करना है। साइको टेस्ट आसान है और साइको टेस्ट टफ है, सबके लिए सेम है। इसमें वही बाजी मारेगा जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा और टाइम मैनेजमेंट करेगा, मतलब
टाइम खत्म होने से पहले आप लास्ट तक पहुंच जाओ। जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना अच्छा आप सेफ जोन में रहोगे। तो ये आपको पता चला। अब इसके आगे बात करते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो मेरा लेक्चर देखते हो सबको सब कुछ पहले से आता होगा कि डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है, इसको दूरी प्रत्यक्षीकरण मापन परीक्षण टेस्ट बोलते हैं। इसमें दो टाइप होता है, एक ब्रिक टेस्ट होता है, एक आपका हिडन क्यूब टेस्ट होता है। इसको देखो, ये टेस्ट ALP में इसीलिए होता है कि इसमें आपका इमेजिनेशन पावर चेक होगा, है ना। इमेजिनेशन पावर, हिडन क्यूब टेस्ट जो है वो आपका इमेजिनेशन पावर चेक करता है, और कहीं ना कहीं ब्रिक टेस्ट भी आपका इमेजिनेशन पावर चेक करता है। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, ब्रिक टेस्ट में आपको 5 मिनट मिलता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे समझो। और 10 फिगर होगा आपका, आपका 10 फिगर होगा, और एक फिगर में आपका 5 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन होगा। ऐसे करके आपका 10 फिगर होगा और कंबाइंड टाइम होगा आपका 5 मिनट। आप इस 10 फिगर को जैसे मन है आगे जाओ, पीछे जाओ, बनाओ, जो करना है करो, लेकिन 5 मिनट के अंदर आपको सब कुछ करना है। 5 मिनट खत्म होगा, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट सेक्शन पे स्विच हो जाओगे। तो यही 5 मिनट में आप 50 बनाते हो, 45 बनाते हो, 40 बनाते हो, 30 बनाते हो, 25 बनाते हो, ये आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ए जो है वो 2 ब्रिक को टच करता है, बी आपका 3 को टच करता है, सी आपका 3 को टच करता है, और डी आपका 4 को टच करता है। कैसे करता है, नहीं करता है, ये आपको आज का पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। चलो ये आपको समझ में आए, ये इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन है, सेम इंस्ट्रक्शन है जो आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा ऑनलाइन जब आप प्रैक्टिस करोगे, कि 5 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा। इस तरह से आपको इसको पढ़ना है ना। यहाँ पे देखो, 50 क्वेश्चन आर आस्क्ड ऑन 10 डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स, है ना। 5 क्वेश्चन इच ऑन अ पार्टिकुलर अरेंजमेंट यू आर रिक्वायर टू सॉल्व। उसी तरह से इसका आपका हिंदी का इंस्ट्रक्शन है, सेम चीज है। इस सेट में ईंटों की 10 अलग अलग व्यवस्थाओं पर कुल मिलाकर 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक एक विशेष व्यवस्था पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको पता चला। चलो अब इसके आगे चलते हैं। ये आपका ब्रिक है। ब्रिक एक तरह का, आप लोग ब्रिक जानते होंगे जिससे गांव घर में ईंट बोलते हैं, तो ये एक तरह का क्यूबॉइड होता है। क्या होता है? क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ, घनाभ, है ना, क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, और आपका हाइट होता है, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई। तो ये आपको समझ में आया कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से आपका होता है। आप जिस रूम में हो ना, 1 मिनट के लिए समझो कि रूम का LWH अलग अलग है, लेंथ, विड्थ और हाइट, तो वो एक तरह का क्यूबॉइड है। उसी को आप इमेजिन करो कि वो ब्रिक्स है। अब आप अपने रूम में देखो, आमने सामने, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, 6 सतह है। ये अगर आप जान गए तो आप ब्रिक टेस्ट सॉल्व कर लोगे। आपको ब्रिक के बारे में इससे ज्यादा नहीं जानना है। आप रूम में हो, उसका कितना सतह है, कितना सरफेस है, उसमें अपर सरफेस, लोअर सरफेस, लेफ्ट सरफेस, राइट सरफेस, सामने वाला सरफेस और पीछे वाला सरफेस, ये 6 सरफेस है, सतह है। इसी 6 सतह से कौन कौन सा सटेगा, आपका टच करेगा ब्रिक, वही आपका काउंट करना है। ठीक है, कॉर्नर टच काउंट नहीं होता है। जैसे ये आपका फेस है ना, ये तो इस फेस से जो टच करेगा वही काउंट करेंगे, कॉर्नर टच काउंट नहीं होगा। ये सब चीज अगर आपको नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझेंगे। अब जैसे देखो, ये एक वार्ड है, ब्रिक के अरेंजमेंट से ईंट को जोड़ करके एक दीवार बनाया गया। इसमें आप क्या देख रहे हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक ईंटा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऐसे करके आपका ये वॉल है। अब आपसे मैं पूछता हूँ, यहाँ से आपका इमेजिनेशन पावर स्टार्ट हो जाएगा। आपसे मैं पूछता हूँ कि अच्छा बताओ, ये एक ब्रिक है, एक ईंट है, इतना तो समझ सकते हो, तो ये ऊपर से कितना ईंट को टच करेगा, कितना ब्रिक को टच करेगा। आप लोग सर, एक ये, एक ये, आप बोलोगे बॉटम से तो बोलोगे सर एक ये, एक ये, आप बोलोगे सर लेफ्ट से
तो एक ये राइट से, एक ये है ना, ऊपर से दो, नीचे से दो, बाएं से एक, दाएं से एक, और इस साइड खाली है, उस साइड खाली है। तो ये आपको इमेजिन करना है। तो यहाँ पे पूछूंगा कि ये ब्रिक जो है सो कितना ब्रिक को टच करता है, तो आप लोग सर दो दो चार दो छः, ये आपका आंसर। मैं बोलूंगा अच्छा बताओ ये ब्रिक कितना को टच करता है, ये इनका है ना, बोलोगे सर ऊपर से दो, नीचे से दो, और इधर से एक, पांच। ठीक है, इस तरह से ही आपको इमेजिन करना है। मैं बोलूंगा अच्छा ये बताओ कि ये वाला जो है, ये एक ईंट है, एक ब्रिक है, ये कितना को टच करता है, आप लोग सर नीचे से दो, एक ये और एक ये, तो आपका चार। इधर दीवार है ही नहीं, उधर दीवार है ही नहीं, इतना समझ में आया। देखो मेरे लेक्चर का यही खासियत है, धीरे धीरे आप लेक्चर के लास्ट तक जाओ, आपको सब कुछ पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब उसी तरह से वो आपका एक ईंटा का दीवाल था, है ना, ये दो ईंटा का दीवाल है, वो एक ब्रिक के कॉम्बिनेशन से वाल बना था, अब आपका ये दो ब्रिक के कॉम्बिनेशन से वाल बना। अब इमेजिनेशन पावर देखो कैसे काम करता है। मैं बोलूंगा अच्छा ये बताओ उसमें क्या था, उस साइड कुछ नहीं था, इसमें है, तो एक ईंट को ये टच कर रहा है, ध्यान से देखो, एक इधर से टच कर रहा है, एक इधर से टच कर रहा है, और एक आपका नीचे से ये, और एक ये, आपका तीन दो पांच ईंट को टच कर रहा है। अब मैंने क्या बोला आपको, कॉर्नर टच काउंट नहीं होता है। अब लो सर ये तो ये कॉर्नर टच है, ये काउंट नहीं होता है, इस चीज को समझो। ये एक ईंट है ना, और ये आपका एक ईंट है, तो आप लोग सर ये तो टच कर रहा है ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला ना सरफेस सतह, ये सतह से है नहीं, ये कॉर्नर टच है या एज टच है, किनारा टच है, तो ये काम नहीं करता है, इसको काउंट नहीं करेंगे, जो सतह से टच है सिर्फ उसको काउंट करेंगे। ठीक है, चलो एक बार फिर से आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको मैं इसका बात करता हूँ, ये इमेजिनेशन पावर आपको समझना पड़ेगा। ये ईंट है, ये इधर से टच कर रहा है, ये इधर से टच करेगा नहीं, ये पीछे से इसको टच कर रहा है, और नीचे से इसको और इसको टच कर रहा है, तो ये आपको पता चला कि ये चार को टच कर रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करते हैं, ये ईंट है आपका, ध्यान से देखो, अब आप बताओ ये कितना को टच करेगा, तो ऊपर से आपको देख के क्या लग रहा है कि दो लेन है आपका वाल का, है ना, इसका मतलब ये जो पत्थर है, ये जो ब्रिक है, इसके पीछे भी वाल है। तो अगर ये, ध्यान से देखो, ये आपको इसको ना लेके जाना पड़ेगा ऐसे, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। तो ये जो पत्थर है वो पीछे से, पिछला सतह से इस ब्रिक को और इस ब्रिक को टच कर रहा होगा। अगर इस फिगर से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस फिगर से समझो, ये ऊपर वाला से समझो, जब ये अपने पीछे वाले को टच कर रहा है तो ये जो है, ये भी तो अपने पीछे वाले को और इसके नीचे वाले को टच कर रहा होगा, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, यही है आपका इमेजिनेशन पावर। तो मैं इसका बात करूंगा, तो आप बोलोगे सर ये ऊपर से इसको और इसको टच किया, और पीछे से इस वाले को और इस वाले को टच कर रहा होगा, पीछे से, है ना, फिर नीचे से आपका इसको टच कर रहा, इसको टच कर रहा, आपका इधर इसको टच कर रहा, इधर इसको टच कर रहा, कितना को टच किया, देखो ऊपर से दो, नीचे से दो, चार, इधर से एक, पांच, इधर से एक, छः, और उस साइड से दो, आठ। तो आंसर क्या होगा आपका, एट आंसर होगा। क्लियर, ये समझ में आया। चलो थोड़ा सा आपको और देखते हैं, गांव घर में जो आपका ये ब्रिक होता है वो इस तरह से रखते हैं, कहते हैं ना 10 इंची, 5 इंची, 2.5 इंची, 10 इंचेज, 5 इंचेज, 2.5 इंचेज, ब्रिक बोलते हो ना। तो जैसे ये आपका बोलोगे सर ये तो 2.5 इंची पे खड़ा है ऐसे, ये आपका ऐसे, ये बोलोगे सर ये तो 5 इंची है, आप बोलोगे सर ये अगर ये इसको हाइट के हिसाब से है, अगर इसको सतह ऐसे करोगे तो बोलोगे सर ये 10 इंची है ना, खड़ा है 2.5 इंची पे, और अगर गिरा देंगे तो ये 10 इंची हो जाएगा, तो ये 5 इंची। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग ब्रिक को रखते हैं, जब आप कलेक्ट करते हो ट्रैक्टर वगैरह से जब आता है घर में, जब रखते हैं तो इस तरह से रखते हैं। अब आप देखो यही है इमेजिनेशन पावर, आपको ये समझना पड़ेगा, ये ब्रिक जो है सपोज करो ये एक ही लेयर है, वैसे तो ये एक लेयर है नहीं, लेकिन पहले आप ये समझो ये एक लेयर है, ऊपर से एक दो तीन चार,
इधर से एक पाँच, अगर इसको काउंट करते हैं तो 6 7 8 9 10, ये थोड़ा सा यहाँ से है, मान लो कॉर्नर नहीं है, सरफेस है, ठीक है, ऐसे टच करा, मान लो इधर गैप है, ये अगर यहाँ तक रहता, इधर से टच, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कैसे टच करा। इसको देखोगे तो आप लोग, सर ऊपर से टच, नीचे से टच, लेफ्ट से टच, राइट से टच, तो यही चीज को समझना। अब बोलूंगा मैं इमेजिनेशन पावर करके बताने, तो आप इमेजिनेशन पावर करो, ये अगर ऐसे करके गया हुआ है अंदर की तरफ, ऐसे है ना, तो इस पे जब आप ऐसे करके रखोगे तो आप 4 बार रखोगे, 4 बार इमेजिनेशन करके देखना, घर में देखना, एक ईंट को रखना और उसको 10 इंच करके रखना और फिर 2.5 इंच करके रखोगे तो 4 बार रखोगे, एक 10 इंच का बनाना ऐसे करके, और 5 इंच का जब रखोगे तो 2 बार आपका रखाएगा, है ना, एक बार और अच्छे से समझो। 10 इंच का आपका ब्रिक है और मैं 2.5 इंच का रखूंगा तो 4 बार रखूंगा ऐसे करके, है ना, ऐसे, और उसी तरह से अगर 5 इंच के हिसाब से रखूंगा तो मेरा 2 होगा। तो यही है इमेजिनेशन पावर, ये आपको समझना पड़ेगा, जब क्वेश्चन बनाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि इतना देर से मैं ये सब आपको क्यों समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं, ये देखो ये भी उसी तरह से कुछ है, बस आपको देखना है कि कैसे रख सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे रखा हुआ है ना ऐसे ही आपको क्वेश्चन में भी रखा हुआ मिलेगा। ये देखो सिर्फ देखने के लिए कि कैसे आपका रखा हुआ। चलो अब ये देखो, जैसे अभी मैंने बताया ना कि जैसे आपका ये 10 इंच है और 5 इंच करके रखेंगे तो 2 बार, है ना, बस ये चीज है। चलो इसके आगे देखते हैं, रखा हुआ है वो ईंट था, ये आपका डायग्राम है। अब पहले हम लोग बात करेंगे, आंसर लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है, आपको आंसर नहीं देखना है, आपको ये फिगर देखना है और उसके बाद बात करना है। ए फिगर है आपका, ए, इस ईंट का नाम है ए, ये 3D फिगर है, आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पीछे से इसको टच कर रहा है, देखो पीछे से इसको टच कर रहा है, ध्यान से देखो, और नीचे से इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। इस ईंट पे और इस ईंट पे ये रखा हुआ है और पीछे से ये टच कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 3 को टच कर रहा है, 3 को, नीचे से डी और एफ को और बाएं से आपका बी को, तो यही आपका लिखा हुआ है कि नीचे से डी एफ और बाएं से बी, दाएं से कोई है ही नहीं कुछ, ऊपर से कुछ है ही नहीं, आगे से कुछ है ही नहीं, पीछे से कुछ है ही नहीं, टोटल 6 सतह होता है, तो एक कुछ है ही नहीं, पीछे से कुछ है ही नहीं, दाएं से कुछ है ही नहीं, ऊपर से कुछ है, 4 तरफ से कुछ है ही नहीं, एक बाएं से आपका एक है और 2 आपका नीचे से, हमेशा 6 सतह देखेंगे, आमने सामने, बाएं दाएं ऊपर नीचे, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको मैं बोलूंगा कि अच्छा बी का बताओ, तो आप खुद बोलोगे अच्छा ये दाएं से सर ए को टच करा और नीचे से आपका सी को और डी को टच करा। अब ये इमेजिनेशन आपको करना होगा, मैंने पहले बताया ये 5 इंची का ईटा है, देखो ठीक से, और ये 2.5 इंची का है, देखो ठीक से, समझ में आ रहा ना, ये 2.5 इंची का होता तो इसमें पूरा समा जाता, लेकिन ये 2.5 इंची की जगह पे यहां से 5 इंची खड़ा करके ऐसे किए हुए, फिर ऊपर से 2.5 इंची किए हुए, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये सारा चीज आपको समझना पड़ेगा कैसे काम करता है। तो बी में बोलोगे सर इधर से एक और नीचे से एक और एक, ऊपर से कुछ है नहीं, उधर से कुछ है नहीं, उधर से कुछ है नहीं, तो इसमें भी आपका 3, इसको देख लेना अच्छे से। चलो सी का बात करते हैं, आप लोग सर ऊपर से इसको, नीचे से इसको, आपका दाहिने से इसको और इसको, उधर से कुछ नहीं। अब अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा ना तो फिर ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है वो यहां तक गया है कि नहीं, आपको इंस्ट्रक्शन में मिलेगा कि सारा का सारा ब्रिक जो है ना सेम शेप साइज एंड डायमेंशन का है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
अभी नहीं समझ में आएगा, ये जो देख रहे हो ना, इसमें सारा का सारा इंट जो है, सारा का सारा ब्रिक जो है, वो सेम डायमेंशन का है। तो जब इसका डायमेंशन ये 5 इंच है, मान मान के चलो, तो ये मैंने ऐसे रखा हुआ और इसको खड़ा करके रखा हुआ, तो ये आपका 2.5 इंच है। तो इस 5 इंच में ये 2.5 इंच के हिसाब से जोड़ेंगे तो 2 बार होगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब ये जिस तरह से गया हुआ, ये ईंटा का जितना लंबाई है उतना ही इस ईंटा का भी तो लंबाई होगा ना, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। जब टफ क्वेश्चन आएगा तब आपको इसका इम्पोर्टेंट रोल पता चलेगा, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन का क्या है, सी का। तो सी का ऊपर से एक, नीचे से एक और दाहिने से दो, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। ऊपर से एक, नीचे से एक और दाएं से दो। अब फिर से डी के बारे में बात करें तो डी को ठीक से देखो, बोलो सर ऊपर से लंबा वही है, जितना लंबा ये गया है उतना ही लंबा डी भी है, यही मैं बता रहा हूँ। इधर से डी डी के बारे में बात कर रहे हैं तो एक, इधर से एफ को और नीचे से ई को, तो 5। तो यहाँ से देखो ए बी ई सी एफ, ये आपका लैंग्वेज है। मैं नीचे बोल रहा हूँ, वहाँ पे डाउन है, लेफ्ट है, राइट है, वो आप लोग देख लेना। चलो, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ई। ऊपर से एक, नीचे से एक इस सीटा को, एक इस सीटा को, दाहिने से इसको और बाएं से इसको, इसके अलावा ये किसी को नहीं छूता, 3 2, इसका आंसर 5 होगा। और वही चीज आपका लिखा हुआ है कि ऊपर से डी को, नीचे से जी को और आई को, बाएं से सी को और दाएं से एफ को। चलो, इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एफ। मेरे बताने से पहले आप भी मन में कम से कम नंबर कि 2 4 5 कितना ईंट वो सोचो। एफ, ऊपर से एक, बाएं से दो और नीचे से एक, तो 2 और 2 4। तो जब तक मैं समझा रहा हूं तब तक आपके मुंह से 4 निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो 4, 1 2 3 4, आपको ये नाम से कोई मतलब नहीं है, आपको आंसर जो है ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके होगा, जितना ईंटा गिन के आएगा उतना ही आंसर आपको टिक करना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 आपका जी के बारे में बात करते हैं। तो नीचे से एक, दाएं से एक और ऊपर से दो, ये सतह देखो, ये सतह, ये सतह है, इस पर ये ईटा 2.5 इंची का रखा हुआ है और ये ईटा 5 इंची का ऐसे करके रखा हुआ है, उधर गया हुआ है, लेंथ पूरा सारा ईटा का सेम है, ठीक है। चलो, तो ये आपका जी का होगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एच। एच देखो, ऊपर से एक और दाहिने से एक, बस ये 2 ही ईंट को टच कर रहा है, तो आपका 2, इसका आंसर 2। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 आपका आई के बारे में। तो आई, लेफ्ट साइड से जी को, एच को, राइट साइड से जे को, ऊपर से ई को, एफ नहीं, कॉर्नर टच नहीं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, आंसर क्या होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है जे के बारे में। तो जे को देखो, ये ईंट ऐसे समझो गया हुआ है, तो इसके ऊपर एफ है, तो एक और ये आई, 2, कॉर्नर टच काउंट नहीं होता है, तो आपका 2। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो वो तो आपका चलो एक्सप्लेनेशन था, दिया हुआ था, मैंने बस आपको समझाया। अब हम सॉल्व करेंगे 50 का 50 क्वेश्चन। मैं सॉल्व करूंगा, मैं समझाऊंगा, मेरे बताने से पहले कोशिश करना खुद से भी काउंट करके बताने का और मेरे आंसर से मिलाने का, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आपका, ध्यान से समझना, ब्रिक टेस्ट का प्रिपरेशन भी तो करोगे ना, साइको टेस्ट का प्रिपरेशन, लेक्चर तो बस एक बार देख लोगे, समझ जाओगे, काम खत्म, उसके बाद प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज पे जाना है, ALP के साइको टेस्ट पे जाना है, मैंने पहले बताया ना, यहाँ पे सारा का सारा फ्री वीडियोज, पेड वीडियोज जो भी है, वैसे ये सारा वीडियोज आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, यूट्यूब पे थोड़ा खोजना पड़ेगा, यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, तो ये सारा आप लोग देख लेना सब कुछ। और बाकी ये डिजिटल पैनल पे तो मैं फ्रेश लेक्चर ला के दे ही रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ये लेक्चर भी आपको इस कोर्स में आ जाएगा।
हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे ना इस पीडीएफ में जाके इसको खोलना, और इसको जब खोलोगे ना तो आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, इस पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो अब फटाफट से बात करते हैं टेस्ट के बारे में। यहाँ पे ये टेस्ट जो है ना, मैंने बोला ना मैंने सब कुछ चेंज करवाया हुआ है, ताकि देखो होता क्या, मेमोरी टेस्ट 5 तरह का होता है। अब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा फुल टेस्ट में कौन सा मेमोरी टेस्ट है, बस टेस्ट लगाओगे तब पता चलेगा, अच्छा, इसमें तो ट्रैक है, मुझे तो बिल्डिंग का प्रैक्टिस करना था, है ना। तो इसके चलते मैंने क्या किया हुआ है, फुल टेस्ट में कौन कौन सा सेक्शन आपको मिलेगा वो भी डलवा दिया, ठीक है। अब आप फुल टेस्ट लगाने से पहले देख लो कि अच्छा इसमें ट्रैक मेमोरी है, वॉच टेबल है, ब्रिक है, पिक्चर पोजीशन है, हेक्सागोनल है। मान लो किसी और फुल टेस्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा उसमें ऑक्टागोनल है, ब्रिक टेस्ट की जगह हिडन क्यूब है, वॉच टेबल की जगह टेबल टेस्ट है, ट्रैक मेमोरी की जगह बिल्डिंग मेमोरी है, वो दिखेगा और उस हिसाब से आप टेस्ट लगाओ। अटेम्प्ट 9 है, अनलिमिटेड एजुकेशन, तो अटेम्प्ट का टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल मैं ब्रिक टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ब्रिक टेस्ट यानी डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। इसमें ब्रिक टेस्ट क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है, जैसे जैसे नया नया क्वेश्चन ऐड होगा इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। टेस्ट जैसे ही डालूंगा फटाक से आपको ग्रुप में इन्फॉर्मेशन जाएगा, आप अपना उस हिसाब से प्रैक्टिस करते रहना। चलो यहाँ पे बस मैं आपको टेस्ट दिखा रहा हूँ, टेस्ट से फैमिलियर आपको होना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में मार खा जाओगे। इस तरह से आपका ब्रिक टेस्ट का इंस्ट्रक्शन आएगा फाइनल एग्जाम में, 5 मिनट में 50 क्वेश्चन, और इसको स्किप करो क्योंकि घर पे प्रैक्टिस करो, टाइम बर्बाद नहीं करना है। ध्यान से देखो फिगर 5 क्वेश्चन, मैंने शुरू में बोला ना कि 10 सेट होगा आपका, एक सेट में 5 क्वेश्चन, तो एक फिगर और इस पे 5 क्वेश्चन। ऑप्शन ध्यान से देखो, सफल किया हुआ है मतलब कुछ भी, ऑटो सेव होता है, क्वेश्चन देखो आंसर करो, बार बार सेव एंड नेक्स्ट नहीं करना है। साइको टेस्ट का प्रिपरेशन ऐप से नहीं होता है, वेबसाइट से करना है, लैपटॉप पे करना है, क्लियर। सेव एंड नेक्स्ट करना है, टाइमर आपका 5 मिनट चल रहा है, मैं यहाँ पे कुछ भी करूंगा ना टाइमर को ध्यान से देखो, टाइमर में कोई चेंज नहीं, ध्यान से देखो टाइमर में कोई चेंज नहीं, ठीक है। टाइमर फिक्स है, 5 मिनट में ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये आपका काम है कि 5 मिनट में जल्दी जल्दी इस 10 फिगर का 50 क्वेश्चन करें, और ये कैसे होगा, प्रैक्टिस होगा, ठीक है। अगर गलती से सेव है नेक्स्ट पे चले गए, जैसे फिगर नंबर 6 पे हुआ, गलती से 7 पे चले गए, तो कोई बात नहीं, जाओ 8, 9, 10 जहाँ जाना है वापस इसे बैक जाना है, ठीक है। चलो ये आपको पता चला, अब इसको करते हैं सबमिट टेस्ट। सबमिट करने से पहले अगर सपोज करो आपके पास 30 सेकंड बचा हुआ है तो आपको दिख जाएगा, सबमिट नहीं होगा, आपको दिख जाएगा कि आपने आंसर कितना किया है और कितना बचा हुआ है, तो आप बैक करके वापस से फिर से लगा सकते हो, ठीक है। क्या आपको समझ में आया, चलो टेस्ट करते हैं सबमिट। यहाँ से आपको रैंक दिखेगा, स्कोर दिखेगा, और ये आपके लिए मेन है, ये जो आप देख रहे हो ना टी स्कोर, एवरेज स्कोर, ये एवरेज स्कोर कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने डलवाया हुआ है ताकि आपको पता चले कि बच्चा का कितना आ रहा है एवरेज और आप कितना पानी में हो, और उसके बाद आपका टी स्कोर, ठीक है। ये आपको समझ में आया, तो बस इसी वेबसाइट पे जाना है, सब कुछ तो मैंने बता ही दिया है, फिर भी थोड़ा सा झलक ले लो, अगर दिक्कत होता है तो गूगल पे जस्ट क्लिक, सिर्फ गूगल खोलो। अब आप सभी को ये तो पता होगा ना भाई कि आपको अपने लैपटॉप में मोजिला फायरफॉक्स हो या क्रोम हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, उसमें गूगल कैसे खोलते हैं, ये तो आपको पता होगा। अब गूगल खोलने के बाद आप अनलिमिटेड एजुकेशन खोल दो, फेमस तो है ही पूरे इंडिया में, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। देखो मेरे फोटो के साथ इसका वेबसाइट खोलो, और जैसे ही आप वेबसाइट खोलोगे आपका वेबसाइट आ जाएगा, बी बेस्ट एट साइको टेस्ट, है ना। इस पे अपना ARP पे जाना और रजिस्टर कर लेना, जिस रजिस्टर करते समय जो ईमेल आईडी दोगे और पासवर्ड दोगे वही आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट हो जाएगा, और उसी से आप कर सकते हो। बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उस ईमेल आईडी पे फॉरगॉट पासवर्ड करके पासवर्ड भी रिसेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखो सब कुछ, और जैसे जैसे आते जाएगा मैं ग्रुप में बताते जाऊंगा, आपका काम है लगाते जाना, ठीक है। चलो
अब यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं एक एक करके। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम होता है तो वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना। अब चलो एक से पांच फटाफट स्टार्ट करते हैं। ब्रिक ए, अब फटाक से देखो मैंने क्यों इतना देर से भाषण दे रहा था, ये ए कहाँ तक गया हुआ है, ये ए यहाँ तक गया हुआ है, ऐसे करके देखो तब आपको समझ में आएगा। और उस पर सपोज करो ये 2.5 इंची का ऐसे करके ईंटा लगाए हुए हैं और उस पर फिर ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं, मतलब इस पे ये 4 ईंट ऐसे करके रखा हुआ है, ऐसे करके, यही है आपका इमेजिनेशन पावर, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसको जब आप समझोगे तब आप खुद बोलोगे कि अच्छा अच्छा सर ए जो है ना वो ऐसे गया हुआ है और इसके ऊपर से ये 4 ईंटा रखा हुआ है, यानी ए ऊपर से 4 ईंट को टच कर रहा है, कितना 4, तो ऊपर से 4, बाएं से इधर से 2 और दाएं से 1, तो आपका कितना 4, 5, 6, 7, तो ए जो है वो 7 ईंट को टच किया। समझ में आ रहा है कैसे काउंट हुआ? इमेजिनेशन पावर आपको इसी हिसाब से बढ़ाना है, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं, ठीक है? चलो इसके आगे चलते हैं। अब मैं आपको बोलूंगा बी का बताओ, तो बी को ध्यान से देखो। अब आप मुझसे भी फास्ट कि सर बी के ऊपर भी तो 4 है, तो 4 बी के ऊपर 4 है और एक पीछे ए है, क्यों? क्योंकि बी जितना बड़ा बी है ना उतना बड़ा ए है, ऐसे करके देखो इस ईंटा के पीछे वो ईंटा, तो 4 और 1 5, तो आप बोलोगे सर बी में 5, ठीक है? चलो अब फिर से, अब मैं बोलूंगा सी का बताओ, तो आप बोलोगे सर सी, ध्यान से देखो सी भी उतना ही लंबा है, सी भी आपका ऐसे गया हुआ है, ध्यान से देखो, तो बोलोगे सर सी के ऊपर भी 4 है ना, ये 4, तो 4 ऊपर से, नीचे से देखोगे तो जैसे सी वैसे ये वाला ईंट, तो 1, और दाहिने तरफ से देखोगे तो बोलोगे सर 1, ये बाएं से है ही नहीं, है ना, हो गया, तो इसका आंसर होगा 6। डी का देखते हैं, यहाँ पे डी आपका ये 1 और 1 ये 2, आप ना लेयर पहचानो, लेयर पहचान जाओगे ना, जैसे ये फर्स्ट लेयर है, ये ब्रिक्स जो है ना उसका ये फर्स्ट लेयर है, जब एक बार लेयर पहचान जाओगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट लेयर कंप्लीट हुआ है वो इस तरह से एक ईंटा को रखे, दूसरा ईंटा को रखे और फिर इधर से ये ऐसे गया, एक लेयर आपका कंप्लीट, और फिर उसके ऊपर से ये रख के कंप्लीट किए, ठीक है? तो अगर आप लेयर पहचानोगे तो आपको और आसान होगा। तो देखते हैं डी का क्या है, तो आप बोलोगे सर एक ये है, एक ये है और नीचे से, तो जैसे ही नीचे का मतलब क्या हुआ, ये सेकेंड लेयर है और ये फर्स्ट लेयर है, तो नीचे सेकेंड से फर्स्ट, तो फर्स्ट जब जैसे ही आप आओगे ना तो इस लेयर पे आ जाना, और इस लेयर पे आने के बाद बड़ा वाला को गोली मारो और छोटा वाला को पकड़ के काउंट करो, ठीक है? तो ये नीचे से इधर से देखोगे तो बोलोगे 1, लेकिन गलत है, क्यों? क्योंकि ये 3 ऐसे गया हुआ है, ऐसे, तो नीचे से 3, तो इस बड़ा वाला को छोड़ेंगे और छोटा वाला को फटाक से काउंट करेंगे, 3 और 1 4 1 5, तो आप बोलोगे सर इसका 5, ठीक है? उसी तरह से मैं बोलूँगा ई का बताओ, तो आप बोलोगे सर ई का, तो ई का वैसे ही जैसे ही जाओगे तो इसको छोड़ेंगे और नीचे से इसको 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 टच करा, ये जो है ना ये अलग और ये अलग नहीं है, दोनों एक है, ठीक है? तो ये 1 हुआ 2 3 और पीछे से 1 4, तो आप बोलोगे सर 4, ठीक है? अब मैं बोलूँगा चलो फटाफट बताओ ए का, आप बोलो ए का, इधर से 1 इधर से 1 2, मैं बोलूँगा बी का बताओ, आप बोलोगे बी का, पीछे से 1 इसको 1 2, आपको 50 क्वेश्चन में ना 30-35 क्वेश्चन काफ़ी आसान आएगा जैसा ये है, और जो टफ आएगा उसके लिए आपको ये लेक्चर लास्ट तक अच्छे से देखना है, मैं कैसे अप्रोच लेता हूँ वैसे ही आपको सीखना है, और फिर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो टाइम के अंदर करना सीख जाओगे, 5 मिनट में 50 आप आसानी से स्कोर करोगे, है ना? बस आपको प्रैक्टिस करना है। सी का बताओ, आप बोलोगे सी, देखते करोगे, अभी मत सोचो, अभी सीखो। सी का 1 ये 1 ये 1 ये 3, मैं बोलूँगा डी का बताओ, आप बोलोगे डी का,
एक ये और एक ये, दो। मैं बोलूंगा ई का बता, तो आप बोलोगे ई का सर पीछे से एक और इधर से एक, दो। हो गया आपका कंप्लीट। चलो अब मैं बोलूंगा बताओ ए का। ए का देखो दाहिने देख रहे हैं ना, तो छोटा और बड़ा ये ईटा ऐसे गया हुआ ना, ऐसे तो छोटा और बड़ा, तो छोटा वाला पोर्शन को अगर देखोगे ना तो एग्जैक्ट काउंट कर पाओगे और सही सही काउंट कर पाओगे, क्योंकि एक बड़ा के अंदर ही छोटा होता है ना। तो ए को छोटा, एक ऊपर से, ऊपर से। अब देखो आपको ये लेयर पहचानना पड़ेगा, आपको ये लेयर, ये है आपका फर्स्ट लेयर। जब आप ईंटा चौकते हो, ब्रिक्स का कलेक्शन करते हो, ये देखो ये है आपका सेकेंड लेयर, ऐसे और ऐसे कर, ये सेकेंड लेयर है और उसके ऊपर से ये आपका थर्ड लेयर है ना, ऐसे। तो जैसे ही हम देखेंगे सरफेस टच, तो जैसे फर्स्ट लेयर पे हो और सेकेंड लेयर देखना है, सेकेंड लेयर पे हो फर्स्ट लेयर देखना है, तो छोटा वाला को टारगेट करोगे ना तो जल्दी होगा, क्योंकि उससे आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा चीजें, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो फटाफट मैं कैसे करता हूँ, पहले वो देखो। मैं बोलूंगा ए, तो ए इधर से एक, इधर से एक एक ऊपर से। अब जैसे ही मैं इस लेयर में गया, इस वाले लेयर में, तो मैं पूरा गया, ये पूरा लेयर है, तो बड़ा वाला नहीं देखना है, छोटा वाला दो पार्ट में बटा हुआ, मतलब दो है, तो एक ये नीचे से। अब जैसे मैं नीचे आया तो ये लेयर यहाँ तक गया हुआ है, बड़ा वाला को गोली मारो, छोटा वाला को देखो दो, एक ये अब सर दो दो चार, है ना, किसका देख रहे हैं, एक है ना, चार, एक इधर से पांच छः सात, तो सात है ना, और सात बहुत ज्यादा हुआ है ना। तो ये फास्ट कैसे होगा, तो ये प्रैक्टिस से होगा, बार बार देखोगे ना तो इतना इमेजिनेशन पावर अच्छा हो जाएगा ना कि तुरंत करोगे। बी का आप लोग सर, बी नीचे से दो है, ऊपर से दो है, चार हुआ और पीछे से आपका एक है, तो पांच। मैं बोलूँगा सी का बताओ, आप लोग सर सी एक ये, और जैसे ही ये थर्ड लेयर है, जैसे ही नीचे आया फटाक से देखेंगे ये छोटा वाला, ये सब ठीक है, और ये ईंट सेम है, तो ये काउंट मत करना, ये नहीं कि इसको भी काउंट करना, ये गलत हो जाएगा। तो एक और तीन, तीन एक चार, तो आपका चार हो गया। मैं बोलूँगा डी का बताओ, आप लोग सर डी, डी पीछे से एक और ऊपर से एक दो तीन और इधर से चार, चार। मैं बोलूँगा ई का बताओ, तो बोलो ई का फिर से वैसा ही कुछ, फिर से वैसा ही कुछ, थोड़ा सा साफ करो इसको ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और फिर से ई का, तो ई का सर ऊपर से एक लंबा लंबी गया हुआ, साइड से एक लंबा लंबी गया हुआ और नीचे से एक, तो गलत हो जाएगा। क्यों, ई के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलो ई के बारे में बात करते हैं। नीचे से बड़ा को छोड़ेंगे, ये लेयर ऐसे गया हुआ है ना, तो ये दो पार्टीशन में है, तो नीचे से दो को टच करेगा, ऊपर से। अब ई के जस्ट ऊपर ये ईंट है, ध्यान से देखो ये ईंट है, ये नहीं है जो मैं इसको देखूंगा, सिर्फ ये देखूंगा, और साइड से आपका ये है, ये तो दो एक तीन एक चार, खत्म। समझ में आया ना, ये ई जो है इसके ऊपर ये ईंट है, अगर ये रहता तो फिर इसके ऊपर दो होता, लेकिन इसके ऊपर एक ही है। चलो इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे 16 से 20 फटाफट। ए आप लोग सर ए, ऊपर से एक दो तीन और पीछे से एक चार, तो चार हो गया। मैं बोलूँगा बी का बताओ, तो आप लोग सर बी का पीछे से ये है और नीचे से ये है और ये है, तीन, है ना। समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा अच्छे से देखो फिर से। बी का, तो बी का सर ऊपर से एक
पीछे से एक दो और नीचे से आपका दो, बी का ऊपर से ये वृक्ष टच कर रहा है ऐसे, पीछे से आपका ये है, ठीक है, तो दो हुआ, और आपका नीचे से, अब ये लेयर है, और जैसे इसके नीचे वाले लेयर पे जाओगे तो ऐसे करके ये लेयर बना हुआ है, ऐसे करके, तो ये दो पार्ट में बटा हुआ, तो दो 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 चार, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, देखते जाओ सब समझ में आएगा। अब यहाँ पे सी का बात करें तो सी का बोलोगे सर साइड से, साइड से तो एक को टच कर रहा है, ऊपर से भी एक ही को टच कर रहा है, नीचे से, तो नीचे जैसे ही आएंगे तो बड़ा वाला को गोली मारो और छोटा वाला पे फोकस करो, ये आपको समझना पड़ेगा। ये लेयर है, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, तो ये जो टच, ये जो बैठा हुआ है वो इस दोनों पे बैठा हुआ है, तो नीचे से दो, तो दो साइड से एक और ऊपर से एक, तो आपका दो दो चार। मैं बोलूँगा डी का बताओ, आप लोग डी, अच्छा डी नीचे से एक और साइड से एक, तो दो। मैं बोलूँगा ई का बताओ, तो आप लोग सर ई, ई जो है यहाँ पे भी थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ई लेयर पहचानना सीख जाओगे ना तो आसानी से करोगे। ये ई जो है ये फर्स्ट लेयर पे है, मैं सेकेंड लेयर पे देखता हूँ, सेकेंड लेयर पे ये देखो, ये सेकेंड लेयर बना हुआ है ऐसे करके, सेकेंड लेयर ऐसे करके बना हुआ है ऐसे करके, मतलब तो ई के जस्ट ऊपर ये लेयर जो बना हुआ है तो ऐसे ऐसे गया हुआ है ईटा ब्रिक, तो एक दो और तीन, ये तीनों ई को टच करेगा और इधर से एक, ठीक है, तो टोटल चार। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, तो लेयर अगर पहचान जाओगे ना तो कर लोगे। अब इसको देखो, ए ए ऊपर से एक, नीचे से एक और साइड से चार, साइड से चार, नीचे से एक ऊपर से एक, चार दो छः। अब बी का देखो, तो बी बी आप बोलोगे सर एक ये और पीछे से चार, ये लेयर आप देखो, ये लेयर ऐसे गया हुआ है ऐसे, और इस पे ये ईंट ऐसे रखा हुआ है ना, तो ये पीछे से चार को टच कर रहा है, एक दो तीन चार, इस चार को, एक इसको पांच, एक इसको छः, और ये नीचे से इसको सात, तो आपका बी का सात, ठीक है। सी का बात करते हैं, तो सी का बोलोगे उसी तरह से जैसे भी है, सी पीछे से चार, इधर से एक पांच और नीचे से एक छः। आप बोलोगे सर डी का बताइए, तो डी का देखो ये रखा हुआ है भाई, इसके ऊपर चार गो है, चार, और पीछे से ये भी है, तो पांच, और ई का बताइए, तो ई का क्या है, ये ऊपर, तो ई जो है चारों को टच कर रहा है और नीचे से एक को टच कर रहा है, तो चार और एक पांच, ठीक है, हो गया। उसी तरह से बताओ ए का, तो आप लोग ए का चार, पीछे से एक पांच और नीचे से एक छः। बी का बताओ, आप लोग बी का पीछे से एक और नीचे से दो तीन, ये बी है ना, ये बी है ना ऐसे, तो इसके नीचे वाला लेयर पे जब आओगे ऐसे करके, तो ऐसे गया हुआ है ना, तो बड़ा वाला को गोली मारो छोटा वाला को काउंट करो, है ना, ऐसे करके टच हुआ है, तो दो और एक उधर से तीन, तो तीन। मैं बोलूँगा सी का बताओ, देख के बताओगे, सी ऊपर से एक पीछे से एक, तो दो है ना सी। डी का बताओ, तो डी का थोड़ा सा इसको इरेज करो ताकि अच्छे से समझ में आए। डी का, तो डी का बोलोगे सर ऊपर से एक और साइड से एक, तो बस यही दो है जो डी को टच कर रहा है। और बोलोगे ई का बताओ, तो ई का क्या है, एक ये है दो, और ये लेयर है ना उसके जस्ट नीचे वाला लेयर ये है ना, मैंने क्या बोला था, बड़ा वाला को गोली मारो छोटा वाला को काउंट करो, तो दो यहाँ
एक इधर और एक इधर, तो आपका चार है। ठीक है, इसी तरह से चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताओ ये क्या, क्या बोलोगे सर? ए पीछे से इसको टच करेगा और साइड से आपका एक लेयर बना हुआ है, दो लेयर बना हुआ है, तीन लेयर बना हुआ है। तो पीछे से तीन और एक उधर से चार है, तो आप बोलोगे सर चार। मैं बोलूंगा बी का बताओ, आप बोलो सर बी, ऊपर से दो ये दोनों, नीचे से एक तीन और साइड से इसको, तो चार। और ये लंबा है तो ये लंबा है, इसको ठीक से देखना पड़ेगा आपको। इसको जो है ना एक बार अच्छे से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। बी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो बी के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो है ना बी, ये लंबा गया हुआ है यहाँ तक ऐसे ऐसे, और इसके बगल में ये ए जो है ये ऐसे है, ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे है सारा का सारा। तो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हो। तो बी में देखो ऊपर से दो है, एक ये नीचे से एक है, और साइड से देखोगे तो एक दो तीन चार है, तो चार पाँच छ सात, तो ये सात। ठीक है, सी का बताओ, तो सी का बोलोगे सर एक ये और पीछे से, जैसे ही पीछे गए ना तो पीछे का लेयर देखो और आसान हो जाएगा। जो साइड देख रहे हो वो साइड का लेयर देखो। तो मैं ये वाला देख रहा हूँ, पीछे वाला साइड ये है ना, तो इसमें लेयर देखो, तो ये कितना ईंट को मिला के ये लेयर कंप्लीट हुआ है, एक ईंट इसको, एक ईंट इसको और एक ईंट इसको, तीन लेयर, तो तीन को टच करेगा तो और आसान हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ सी का, तो सी पीछे से, ये पीछे से नीचे देखेंगे तीन लेयर, तो तीन एक चार एक पाँच, तो पाँच। डी का बताओ, फिर से डी पीछे से तीन चार एक पाँच। ई का बताओ, ई का इस साइड से चार, उस साइड से एक पाँच और नीचे से छ, देख रहे हो ना कितना स्पीड में ग्राउंडिंग हो रहा है ना। चलो अब फिर से ए का बताओ, अब लो सर ए, अब ऊपर देखेंगे ना तो ये जो ईंटा है इसके ऊपर कितना ईंटा गया हुआ, एक ईंटा दो ईंटा और तीन ईंटा, तो ऐसे करोगे तो आसानी से काउंट होगा। तो ए का बात, ऊपर से तीन और पीछे से एक, तो चार। बी का बताओ, बी नीचे से चार, ऊपर से पांच और पीछे से एक, तो छह। सी का बताओ, तो सी का नीचे से एक और पीछे से एक, तो दो, बस दो। डी का बताओ, तो डी का बोलोगे सर इस साइड से एक और नीचे से चार। मैं क्या बोला, डी को, डी जो है इसको आप नीचे से देखोगे तो नीचे वाला लेयर ये है ना, और आसान हो जाएगा। नीचे वाला लेयर ये है ना, तो यहाँ एक है लेकिन यहाँ देखो चार है, चार पार्टीशन ऐसे ऐसे गया हुआ है ऐसे ऐसे, और उसके ऊपर से ये रखा हुआ है, तो ये समझोगे ना तो और आसान हो जाएगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे एक बार आपको समझाने के लिए फिर से कर देता हूँ अच्छे से। किसका? डी का। तो डी का जैसे ही नीचे आओगे, मतलब डी को नीचे से देखोगे तो ये लेयर देखोगे और ये लेयर आप पूरा देखोगे, मतलब बड़ा वाला पोर्शन को गोली मारो, छोटा वाला पोर्शन को फोकस करो, तो चार और एक पांच। ठीक है, चलो ई का देखते हैं। ई फिर से वही बात, एक इधर से एक इधर से, और जैसे ही ऊपर गए तो ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो ई आपका ऐसे गया हुआ है, तो ऊपर जैसे ही जाओगे तो बड़ा वाला पोर्शन को गोली मारो और छोटा वाला पोर्शन की तरफ भागो। ठीक है, समझ में आया? फिर से एक बार अच्छे से समझो, जैसे ही आप ई के बारे में बात करोगे तो आप लोग सर एक इसको और ऊपर जो है ये और ये तीनों, तो तीन दो पांच। यहाँ पे समझने में अगर दिक्कत हुआ तो थोड़ा सा रिकैप करो, पीछे से फिर से देखो। अब फटाफट चलते हैं, बताओ फटाफट ए, बोलोगे सर नीचे से तो एक ही है, लंबा लंबी गया हुआ है,
साइड से। अब साइड से देखो, मैंने क्या बोला, साइड से देखोगे तो बड़ा वाला पोर्शन को गोली मारो और इसका छोटा वाला पोर्शन को देखो, तो दो पार्ट में है, तो दो, ठीक है, ऊपर से दो, चार, और एक नीचे से, पांच, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, फिर से करेंगे। चलो बी को देखो, बी जैसे ही आप इधर जाओगे पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, तो ये लेयर ऐसे गया हुआ है ना, ऐसे करके। अब ये ईंटा खड़ा खड़ा है, तो पीछे जब जाओगे तो ये जो ईंट है ये इसके ऊपर है ना, लेकिन इसके नीचे का दीवार देखो, एक ईंटा, दो ईंटा, तीन ईंटा, और उसको खड़ा खड़ी ऐसे करके जोड़ रहे हैं, तो पीछे से तीन, पीछे से तीन, साइड से इसको चार, और इधर से इसको पांच, तो पांच, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार देखो बी के बारे में। बी ये ईट जो है ना वो ऊपर से रखा हुआ है, इसको हटा दो। बी पीछे से इस तीनों को टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा, एक इसको टच कर रहा, तो 3 2 5। अब मैं सी के बारे में बात कर रहा हूँ। सी देखो, पीछे से और साइड से, और ये पीछे जो है ना ये बराबर है, यही चीज आपको समझा रहे हैं। ये सी है, इसके पीछे ये है, बड़ा भी एक पार्ट है, छोटा भी एक पार्ट है, तो एक ही होगा। कहीं भी पार्ट इंक्रीज करेगा ना, पूरा काउंट कर लेना छोटा वाला, ठीक है। तो आपका सी का क्या है, पीछे से एक और उधर से एक, दो। जब डी का बात करोगे, आप जब डी का बात करोगे तो डी में देखो ध्यान से, ये सरफेस ये लंबा है और ये यहां तक गया हुआ है, ये बड़ा पार्ट है, गोली मारो, छोटा पार्ट दो, दो को टच करा है इधर से, ठीक है, इधर से, इधर से देखो, तो इधर से इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो 3 2 5, तो पांच। और उसी तरह से ई को देखो, ई इस पे तो है ही नहीं, ये तो बेचारा साइड में है, ये 5 इंची, 5 इंची दूगो है, उस पे ये 10 इंची है, तो बस दो को टच कर रहा है। और इस पे तो है ही नहीं, इस पे तो है ही नहीं, ये ईंट ऐसे गया हुआ है, इस पे है ही नहीं, ये कॉर्नर टच काउंट नहीं करते हैं, तो बस दो, ठीक है, समझ में आया। चलो आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, 10 सेट, 20 सेट, 25 सेट, 9 अटेम्प्ट प्रैक्टिस, अनलिमिटेड एजुकेशन पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बारे में आपको नहीं सोचना है, एग्जाम तक आपको सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचना है, ठीक है। चलो ए बताओ, आप लोग सर ए ऊपर से, अब जैसे ही ऊपर जाओगे ना तो आपको एक ही दिखेगा, ये देखो ऐसे गया हुआ है, ऐसे, ये ऐसे गया हुआ है, और ये 5 इंची ऐसे रखा हुआ है, 2.5 इंची है, तो ऊपर से एक है, पीछे से, तो पीछे से भी जैसा ये ए है ना वैसा ही ये बी भी गया हुआ है ऐसे, तो पीछे से भी एक, तो दो, और नीचे से, तो नीचे से देखोगे ना तो ये भी 5 इंची का ही है ऐसे, और उस पे दो रखा हुआ है, तो एक, तीन। समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझो। ए, तो ए के बारे में बात करते हैं, पीछे से एक, ऊपर से एक, और नीचे से एक, तो तीन। बी एक इसको टच करेगा, एक आपका इसको टच करेगा, साइड से आपका इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, और नीचे से आपका इसको टच करेगा, बस 3 2 5। सी का बात करो, सी सी लेयर देखो, लेयर ऊपर से एक, इसको साइड से ये दो, और नीचे। अब मैंने आपको क्या सिखाया बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया कि ये सी है, ये यहां तक गया होगा, यहां तक, और इसका निचला लेयर पे आते हैं, तो निचला लेयर कितना ईंटा का बना हुआ है देखो, तो ऐसे करके जुड़ाया है,
ऐसे करके चढ़ाया और तब ये सिर रखा हुआ है। तो बड़ा वाला साइड को गोली मारो, छोटा वाला साइड काउंट करो, तीन इधर है, समझ में आया? चलो एक ऊपर से चार और एक साइड से पांच, ठीक है। अब आप डी के बारे में बात करोगे तो बोलोगे सर ऊपर से दो, साइड से आपका एक तीन, और नीचे से आपका एक चार, लंबा लंबी दिया हुआ इसी के ऊपर वो रखा हुआ तो चार। आप बोलोगे सर ई का, तो ई का देखो एक ये एक ये एक ये एक ये, और ऊपर से थोड़ा सा और अच्छे से समझो ई का, ऊपर से दो, ये जो ई है ये ऐसे गया हुआ है और उसके ऊपर ये ऐसे गया हुआ है, तो दो ऊपर से दो, साइड से पीछे से दो, इधर से एक और नीचे से एक, तो दो दो चार और दो छः, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ब्रिक टेस्ट समझ में आ गया होगा, और ब्रिक टेस्ट में ना बस प्रैक्टिस का खेला है, जितना मन करे उतना प्रैक्टिस करो। इस लेक्चर को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको लेक्चर कहीं और भी देखने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और इसमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो ना, आई विल ब्रिंग सेपरेट लेक्चर इन इंग्लिश फॉर टेबल टेस्ट एंड वॉच टेबल टेस्ट, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और हिंदी मीडियम वालों का तो कोई टेंशन ही नहीं है, और इंग्लिश मीडियम वालों का भी कोई टेंशन नहीं है, बस टेबल टेस्ट और वॉच टेबल टेस्ट का मैं अलग से लेक्चर दूंगा। और बस जैसे जैसे बता रहा हूँ, ब्रिक टेस्ट देख लिए, ब्रिक टेस्ट का कहानी खत्म, और प्रैक्टिस। अगला लेक्चर मान के चलो हिडन क्यूब का आता है, वो देखो, काम खत्म, सिर्फ प्रैक्टिस। आपका काम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कहाँ से करना है? अनलिमिटेड के प्लेटफॉर्म पे करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे रियल टाइम एनालिसिस है, हर 5 मिनट पे डाटा अपडेट होता है। 10 आदमी टेस्ट लगाओगे और आपका जो स्कोर आएगा, 5 दिन बाद जब आप देखोगे 500 आदमी टेस्ट दिया हुआ, तो आपका स्कोर चेंज हो जाएगा उस 500 के हिसाब से, है ना। तो ये हर 5 मिनट पे मैंने ये करवाया हुआ है, टी स्कोर भी मिलता है आपको, एवरेज स्कोर वगैरह भी आपको दिख जाएगा, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, और मेरे कॉन्टेक्ट में तो रहोगे ही हमेशा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा अप्रिसिएट करने के लिए लेक्चर को लाइक कर देना, और फ्रेंड के साथ हो सके जो भी साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करते हैं तो उनके साथ शेयर कर देना। तब तक आप लोग अच्छे से रहो और मंथली एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।